गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं एक और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भाषा में रुकने के लिए आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि भाषा में जब अपनी बात आप स्पष्ट रूप से किसी को कहना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो विराम चिन्ह बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि विराम चिन्हों के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कहाँ पर कितना रुकना है, और लिखते समय तो इनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगा रहे हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रश्न पूछा जाता है। अल्प विराम वाक्य के बीच में थोड़ा ठहरने के लिए बहुत सारे नामों के बीच में लगाते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह जहाँ पर आश्चर्य भय जैसे भावों को व्यक्त करना हो। योजक चिन्ह हम शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और इसी प्रकार विवरण चिन्ह विवरण देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और ब्रैकेट यानी कोष्ठक चिन्ह का अर्थ प्रयोग हम अर्थ दर्शाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सारे हमने विराम चिन्ह जाने। अब हम विराम चिन्ह जान रहे हैं, वो है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक यहाँ हमारा अंतिम विराम चिन्ह है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो लाघव चिन्ह का मतलब क्या होता है और क्यों प्रयोग किया जाता है, तो चलिए पहले बता देते हैं कि लाघव चिन्ह होता कौन सा है। ये एक छोटी सी गोला, ये जो डॉट होती है, ये कहलाता है आपका लाघव चिन्ह। ये डॉट जो लगी हुई है कौन सी वाली, ये इस गोले के अंदर आपको एक छोटा सा गोला दिखता है, वो कहलाता है लाघव चिन्ह। अब आप सोचोगे इस छोटी सी बिंदु का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखते हैं। किसी शब्द को, किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हर बार 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 बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, उनको छोटा ही लिख सकते हैं, और वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें छोटा लिखने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर शर्मा, उनका नाम क्या है, डॉक्टर दीनदयाल शर्मा, तो आप क्या लिखोगे, डॉक्टर शर्मा। कैसे लिखोगे डॉक्टर को, आप ऐसे लिख सकते हो डॉक्टर की रेंज बनाकर, और यहाँ पर आप डॉट लगा देते हो ना, डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा का घर कहाँ है, घर कहाँ है, यहाँ तो क्वेश्चन है तो प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ आपने ये जो डॉट लगाई है, ये जो बिंदी लगाई है, ये है लाघव चिन्ह। क्योंकि आपने क्या कहा है, डॉक्टर, डॉक्टर पूरा ने लिखकर शॉर्ट में लिख दिया डॉक्टर शर्मा का घर कहाँ है, तो आपने डॉक्टर को पूरा शब्द लिखने के बजाय सिर्फ डॉ लिख के छोड़ दिया है। फिर आप उसी प्रकार कह सकते हो पंडित दीनदयाल यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। आपने एक वाक्य ले लिया पंडित दीनदयाल यहाँ रहते हैं, तो आपने क्या किया है, पंडित के बाद लाघव चिन्ह लगा दिया है, और पंडित पूरा न लिखकर पम पम के ऊपर बिंदी लगा के छोड़ दिया पर, बस, तो उससे पता लग रहा है कि वो पंडित लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आप कई बार बोलते हो ना कि आपके माता पिता कितने पढ़े हैं, या आपके मित्र या भैया कितना पढ़ा है, या दीदी कितनी पढ़ी है, कि भैया ने एमए किया है, उन्होंने बीएससी किया है, उन्होंने बीए किया है, तो जब ये डिग्रियां लिखते हैं बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमसीए, तो जब ये उनकी डिग्री पढ़ाई होती है, तो इनको भी हम लाघव चिन्ह की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे भैया ने बीए किया है, क्या किया है, बी के बाद आप डॉट लगाएंगे और ए के बाद डॉट लगाएंगे, बीए किया है, यानी भैया कहाँ तक पढ़ा है, बीए किया है। तो इस प्रकार इस लाघव चिन्ह का मतलब होता है शब्द को संक्षिप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये डॉट लाघव चिन्ह कहलाती है। डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आपने डॉ लिख के नुक्ता ये बिंदी लगाई, उसी प्रकार पंडित को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आपने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया, और उसी प्रकार भैया ने बी ए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ा है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को आपने शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखा है बी ए, तो यहाँ पर इस बिंदी के द्वारा, लाघव चिन्ह के द्वारा आपने शब्द को संक्षिप्त किया। तो ये था लाघव चिन्ह, जो कि आपको इस्तेमाल करने में आता है जहाँ पर आपको किसी शब्द को छोटे रूप में लिखना है। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार विराम चिन्ह आपकी भाषा को सुंदर बनाते हैं, उसके अर्थ को स्पष्ट कराते हैं, और शब्दों से किस प्रकार आपकी बात सही रूप में व्यक्त हो उसमें आपकी मदद करते हैं। तो इन सारे विराम चिन्हों को लिखिए कॉपी में, इनके अर्थ को समझिए, इनके निशान जो चिन्ह उन्हें याद कीजिए,
और उनसे जुड़े हुए वाक्यों का अभ्यास कीजिए ताकि स्वयं भी आप उनका प्रयोग सही रूप से कर पाए। मिलेंगे कुछ अगले मॉड्यूल्स में अगले अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।